गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी अपन को आज कौन सा मेंस का टॉपिक कवर करना है? तुम लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स मेंस वाले कंप्लीट हो गए? सर सेट्स एंड रिलेशन हो गया। सेट्स एंड रिलेशंस, ओके। तो नेक्स्ट विल बिगिन विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम दो पॉइंट्स मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ डेटा एंड सेकंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, ये दोनों क्या चीजें हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि लेट्स से तुम कोई एक फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो, ठीक है, और अपने पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर P1 एंड प्लेयर P2। प्लेयर P1 का जो लास्ट 5 मैचेस का जो स्कोर है वो इस तरह से है, कुछ पेपर ने ले लिया, और प्लेयर P2 का लास्ट 5 मैचेस का जो स्कोर है वो ऐसे कुछ है। तुमसे बोला जाएगा कि विच प्लेयर वुड यू लाइक टू सेलेक्ट, तो ये ऑब्वियस सा आंसर है कि अपन P2 प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हमने P2 प्लेयर को क्यों सेलेक्ट किया बताओ? एवरेज अच्छा है उसका, इसका एवरेज अच्छा है। एवरेज स्कोर का मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस इन डेटा पॉइंट्स, ये जो फाइव सेट्स ऑफ फाइव पॉइंट्स के जो टू सेट्स के बने डेटा पॉइंट्स के, इनकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमने चेक की, और जो एवरेज यानी कि जो हमने बोला है एवरेज वर्ड वो होता है मीन। तो हमने इन दोनों प्लेयर्स का सेंट्रल टेंडेंसी चेक किया और जिसका सेंट्रल टेंडेंसी बेटर है वो हम प्रेफर करेंगे। ये तो है सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन अगर मान लो आप क्वेश्चन में मतलब सिचुएशन में ऐसे कुछ है कि P1 प्लेयर का स्कोर जो है वो कुछ ऐसे है जिससे कि एवरेज अपना 50 आ जाए, 48, 49, 50, 51, 52, और P2 प्लेयर का स्कोर ऐसे है। हाँ, मैं ये नोट्स तुम्हें शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में, तो तुम लोग बस समझते जाओ। तो ये हो गया 5 + 2 = 7 + 7 = 14 + 8 = 22, यानी कि 228। तो P2 प्लेयर के लास्ट 5 मैचेस का स्कोर इस तरह से है। अब बताना इन दोनों में से कौन सा प्लेयर प्रेफर करोगे? P1, बिकॉज़ उसका मीडियन स्कोर अच्छा है। मीडियन स्कोर अगेन सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो गई, ठीक है, वो तो सेम है ना सर। मीन दोनों का सेम है। अभी अपन एक्चुअली जैसे इसने बोला मीडियन स्कोर, तो अभी अपन एक बिल्कुल जो होता है ना रॉ टर्म्स में बात करें, तो हमारे लिए मान लेते हैं कि अभी सेंट्रल टेंडेंसी इज जस्ट एवरेज। मीडियन वर्ड क्या होता है हमें अभी नहीं पता, तो अगर अपन को सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग एवरेज से लेना है तो इन दोनों प्लेयर्स का एवरेज स्कोर तो सेम आ रहा है, 50 आ रहा है, बट स्टिल तुम्हें आइडिया है कि हम मतलब तुम लोग बताओ ना, तुम्हें बोल दिया जाए कि P1 और P2 में से कौन सा सेलेक्ट करोगे तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? P1। और इसके लिए अपन ऑल्दो अगर अभी अपन को स्टेटिस्टिक्स नहीं पता है, बट स्टिल अपन एक रफ वे में बोल ही सकते हैं कि यार P1 जो है वो रिलायबल है कि जाएगा तो अराउंड हाफ सेंचुरी तो मार के आएगा। P2 का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत जल्दी भी आउट हो सकता है और डबल सेंचुरी भी बना सकता है, लेकिन डबल सेंचुरी बनाने के चांसेस जल्दी आउट होने के चांसेस से बहुत लेस हैं। तो हमने ये बोला कि P1 इन दिस केस रिलायबल लग रहा है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस हो क्या रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी दोनों का सेम है और फिर अपन को ये चेक करना है कि विच केस इज रिलायबल। तो इस केस में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इस केस में अपन डिस्पर्शन मेजर करेंगे, और डिस्पर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि डेटा पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना कम है या ज्यादा है। जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही सिस्टम रिलायबल है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही सिस्टम कम रिलायबल है। तो इन दिस केस इसका डिस्पर्शन इज मोर देन
dispersion of player p1. तो if dispersion of player p और central tendency दोनों का same है, तो in such situation कि जिसका dispersion कम है हम उसको prefer करेंगे. तो in this case हमने player p1 को prefer किया. But first case में हमने central tendency की help से decide कर लिया. Second case में जब central tendency same था तो हमने dispersion की help से decide कर लिया. लेकिन थर्ड केस में P1 जो है वो 2, 30, 5, 29, 15 और P2 जो है वो 8, 37, 0, 2, 28 ऐसे कुछ स्कोर कर रहा है. अब ये दोनों स्कोर का जब तुम सेंट्रल टेंडेंसी चेक करोगे तो नियरली इक्वल मान लो आ जाता है. इन दोनों का डिस्पर्शन चेक करोगे तो भी नियरली इक्वल आ जाता है. तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि इन दोनों प्लेयर्स में से बेटर प्लेयर कौन सा है. तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी भी फाइंड करेंगे, हम डिस्पर्शन भी फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद एक होता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. इन दोनों की हेल्प से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे और फिर हम सबसे लास्ट में चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि प्लेयर P1 और प्लेयर P2 में से, यानी कि दो डिफरेंट सेट्स में से, व्हिच सेट इज बेटर, व्हिच सेट इज रिलायबल, व्हिच सेट इज कंसिस्टेंट. तो उसके लिए, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज डिस्पर्शन दोनों का आइडिया होना चाहिए कि दोनों क्या चीजें हैं. तो फर्स्ट अपन शुरू कर रहे हैं measures of central tendency. Thank you, sir. इसमें अपन तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज मीन, विच इज नोटेड बाय म्यू और एक्स बार. सेकंड पॉइंट इज मीडियन एंड थर्ड पॉइंट इज मॉड. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मीन. अगर अनग्रुप्ड डेटा है, सिंपली x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं जैसे 5, 2, 3, 7, 5, तो इनका हमें मीन फाइंड करना है. तो मीन इज, अगर कोई और वर्ड मीन के साथ नहीं लिखा हुआ है तो मीन इज सिंपली अर्थमेटिक मीन. ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन. पर्टिकुलरली बोल सकता है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स, बट अगर क्वेश्चन है ओनली ये बोला कि फाइंड मीन ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स, दैट मींस हमें AM ही फाइंड करना है. तो जो अनग्रुप्ड डेटा है उसका मीन तो इस तरह से आ जाएगा. अगर ग्रुप्ड डेटा गिवन है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ग्रुप डेटा गिवन है, कि अगर हम सिचुएशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन इस वाली फॉर्म में गिवन होती है, या तो टेबल या कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे भी दे सकता है. तो यहाँ पे x, यहाँ पे f. x इज वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा पॉइंट. तो मान लो ये x1 f1 है, x2 f2 है, xn fn इस तरह से गिवन है. तो इस केस में म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n अपॉन समेशन ऑफ fi. ठीक है, और है कुछ नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बात है. मान लो ऐसे बोल दिया जाए कि एक क्लास है जिसपे 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 37, 85, 85, 20, 89, 72, 89, 76, 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन टेन. तो एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से गिवन है. तो ये अपन को अभी सारे मार्क्स अलग अलग दे दिए, तो ये अनग्रुप्ड डेटा हो गया. इसी केस को अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लगेगा, तो जैसे 54 है एक ही बार आ रहा है, तो x 54 है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, x 37 है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, x 85 है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, x 89 है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है. तो इसी तरह से है कि अगर कोई भी डेटा पॉइंट मोर देन 1 रिपीट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और उस सिचुएशन में मीन का फॉर्मूला इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ये तो है जब हमें डिस्क्रीट सेट में गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर एफ बता रखा है. बट इंफॉर्मेशन ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि जो क्लास है उसके जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके आउट ऑफ 100 अपन को मार्क्स लेने हैं, तो ऐसे बोल दिया क्वेश्चन है कि 30 to 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 40 to 50 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, 50 to 60 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है. तो इस तरह से एक इंटरवल की फॉर्म में गिवन है कि 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, एंड सो ऑन. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट पेज पे सर एक सेकंड प्रीवियस पेज This is for discrete frequency distribution. Thank you, sir. And next is for continuous frequency distribution. तो उसमें क्या होगा कि इंटरवेल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. इंटरवेल ए नॉट टू ए वन, ए वन टू ए टू, ए टू टू ए थ्री, ए एन माइनस वन टू ए एन, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लेट्स से एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ एन. तो इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा. हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के में एक एडिशनल कॉलम हम बना लेंगे, और इसमें अब इंटरवेल की हेल्प से जो एक्स है वो a नॉट प्लस a वन अपॉन टू, इस यहाँ का x a वन प्लस a टू अपॉन टू, यानी कि जो इंटरवेल्स गिवन है उनका भी मीडियम मीन ले लेंगे. तो हमें एक x एक नंबर मिल जाएगा, और फिर जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके हम मीन का आंसर फाइंड कर लेंगे. फॉर्मूला सेम है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और अपन को अब एक्स आई का जो वैल्यू है वो इस तरह से मिल गया. ठीक है, ये तो है बेसिक अबाउट मीन. अब इसमें क्या होता है कि कई बार लसन भी है ना ये तेल में, कई बार हम लोग जब इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं समेशन में एफ आई इंटू एक्स आई है, फ्रीक्वेंसी को डेटा पॉइंट से, हर एक फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है. तो कई बार क्या होता है कि एक्स आई अगर बड़ा नंबर है तो एफ आई और एक्स आई अगर दोनों ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है. ये जो कैलकुलेशन वाला टाइम है ये हम नेक्स्ट जो है इसी में ही अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इनसे अपन सिंपल कर सकते हैं. मतलब अगर अपन को ओनली यहां तक का पॉइंट बताया ना तो भी हम इजीली मीन फाइंड कर सकते हैं, और जेई के पॉइंट से इतना सफिशिएंट भी है. बट ये है कि अगर कभी लिखा हो अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड तो तुम्हें कुछ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस चीज को भी नोट करा देता हूं कि फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी यूज assumed mean method first. In this case let assumed mean be some number a. तो हम क्या करेंगे कि सारे के सारे एक्स आई को डी आई प्लस ए, दैट इज एक न्यू डी आई ले लेंगे विच इज एक्स आई माइनस ए. एक्स आई जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये वाला है, ठीक है. तो
अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स आई की वैल्यू किसी पर्टिकुलर केस में 63 आ रही है, ठीक है, और हमने डी ए को जो है वो 60 ले लिया, तो अब डी आई की वैल्यू ओनली 3 रह जाएगी। तो कहां तो अपन को 63 को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता, और कहां अब अपन को 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। तो अगर हमने ए अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा नंबर कंसिडर करना चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन में बेनिफिट हो। तो हमने कोई भी एक मीन एज्यूम कर लिया, दैट इज ए, और सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को ए से शिफ्ट करके, यानी कि एक्स आई माइनस ए का यूज करके एक डी आई नंबर फाइंड कर लिया जो रिलेटिवली एक्स आई से छोटा नंबर है। और इन दिस केस वी कैन यूज द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। और ये फॉर्मूला लास्ट वाले फॉर्मूले की तरह ही है। कैसे? लास्ट वाला फॉर्मूला अपना था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, हमने एक्स आई माइनस ए को डी आई बोला है, तो यहाँ पे एक्स आई की जगह पे डी आई प्लस ए रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई प्लस ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दोनों को सेपरेट किया तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस समेशन ऑफ एफ आई ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये सिंस ए जो है वो समेशन के लिए कॉन्स्टेंट है, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ एफ आई कैंसिल हो जाएगा, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन हमने बस अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफ आई का मल्टीप्लीकेशन सिंस डी आई से करना है एंड डी आई इज स्मॉलर नंबर देन एक्स आई, तो कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें अगर कैलकुलेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो डी आई को और छोटा करना होगा, तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं कि फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और इन दिस केस अपन क्या करते हैं कि जो डी आई है इसे डी आई डैश इंटू एच और डी आई डैश इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। एच भी अगेन हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर ले लिया और उस नंबर से डी आई को डिवाइड किया, तो अब ये जो डी आई नंबर था वो एच से डिवाइड करने के, मान लो एच 5 है और मान लेते हैं डी आई की वैल्यूज पहले से 65, 70, 75, 80 इस तरह से आ रही थी। अगर हमने h को 5 ले लिया तो di dash की जो वैल्यूज हैं वो अब 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन आएंगी, तो नंबर और भी छोटा हो गया। तो हम di को di dash into h यूज कर लेंगे और फिर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, नाउ mu इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू di dash अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू ओवरऑल एच प्लस। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें तो हमें एफ आई का मल्टीप्लीकेशन एक्स आई से करना था, फिर हमने एक्स आई को भी थोड़ा छोटा नंबर कर लिया डी आई करके और डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर डी आई को फर्दर छोटा नंबर कर लिया कैसे, एच से डिवाइड करके, डी आई डैश इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ए और एच हम अपनी मर्जी से कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं, बट इन जनरल ए जो लेना चाहिए अगर हमें इंटरवल जैसे ए नॉट टू ए वन, ए वन टू ए टू, ए टू टू ए थ्री एंड सो ऑन इस तरह से गिवन है, तो हमें ए ले लेना चाहिए ए नॉट प्लस ए एन अपॉन टू, पूरे की पूरे डेटा सेट का मीन। ठीक है, हमने कहा ले कोई सा भी नंबर सकते हैं बट जनरली एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट लोगे तो कैलकुलेशन बेटर हो जाएगी। और सेकंड चीज कि अगर हमें अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड्स नहीं पता है तो भी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे मीन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें इस पे, अब इसमें देखो स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर, देखो जैसे अपन ने रिलेशंस पढ़ा था
तो रिलेशन वाले क्वेश्चन में कोई ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है, कुछ इनफैक्ट क्या होती ही नहीं है कैलकुलेशन। मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर है उनमें भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, कुछ एक केसेस में जब ट्रुथ टेबल बनाना होता है तो टाइम लगता है, बट कैलकुलेशन में नहीं लगता, वो ट्रुथ टेबल बनाने में लगता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो अपन को कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल की इंटरवेल एंड फ्रिक्वेंसी, और ये इस तरह से गिवन है कि इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70, and frequencies are 2, 4, 7, 8। एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड मीन, मीन को अपन म्यू या एक्स बार दोनों से डिनोट करते हैं, तो तुम लोग बताओ कैलकुलेशन करके आंसर। तुम चाहो तो ये assumed mean और step deviation use कर लो, नहीं तो तुम directly भी solve कर सकते हो, दोनों में ही, दोनों से ही answer same आएगा। तो सबसे पहले x जो लिखना है वो इन intervals का average लिखना है, तो 30 to 40 का एवरेज, 35 फिर 45 फिर 55 और 65, ऐसे हो गया। फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 7, 8 के बने। अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो हम हैंड टू हैंड एक और कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई कौन आते हैं, करेक्ट आंसर है 55, ठीक है जो हरी ने बोला है। तो एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम और बनाए तो ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 385, एंड दिस वन इज 40, 13, 13 into 4, 52, 520, ठीक है। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यूज करेंगे, तो इनको ऐड किया तो ये आ रहा है 5, 8, 8, 16, 16, 24, 25, 1, 1, 5, 0, नहीं, 5, 5, और डिनोमिनेटर आ रहा है 15 और 6, 21, तो इसको डिवाइड करने के बाद 55, ठीक है। ये अपन ने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे 65 इंटू 8 था या 55 इंटू 7 था, तो ये वाला थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर था, जो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े बड़े नंबर्स हो गए, उनको फिर अपन ने ऐड किया। अगर हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते तो मीन जो अज्यूम करते वो क्या हो जाता, 30 plus 70 upon 2, दैट इज इक्वल टू 50। तो हम सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को 50 से शिफ्ट कर लेते, 50 से शिफ्ट करते तो ये वाला नंबर अब -15, -5, 5 और 15 बन जाता है डी आई जो है। फिर डी आई डैश फाइंड करने के लिए एच को 5 ले लेते, तो एच को 5 ले लेते तो ये वाले नंबर्स अब -3, -1, 1 और 3 बन जाते। तो हमें अब -3 into 2, -1 into 4, 1 into 7, 3 into 8 ये वाली कैलकुलेशंस करनी होती, जो जो हमने अभी कैलकुलेशंस करी हैं उनके कंपैरिजन में सिंपल है। लेकिन अब हम एग्जाम के पॉइंट से देखें तो एग्जाम में अगर तुमने डी आई और डी आई डैश का कॉलम बनाया तो उसमें मेरे ख्याल से 30 seconds, 45 seconds लग जाएंगे, उतनी ही देर में अपन लगभग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट से टाइम में कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, बट हाँ बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन करने में जनरली जैसे जो इरिटेशन होता है वो स्मॉल नंबर्स की कैलकुलेशन करने में नहीं होगा। तो अपन अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में मीन फाइंड करने के लिए। अभी कोई डाउट किसी को इस एग्जांपल में? सर ये हमें डी आई और डी आई डैश जो है नेगेटिव मिल रहा है सर, वो चलेगा कैसे? चलेगा बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैज एवरेज मार्क्स एज 72। If this class has 75 boys with average marks
S70, then find average marks of remaining 45 girls. जिसका भी आंसर आए बताना। सेवेंटी एट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो बोला कि एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज 72 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 100, तो टोटल मार्क्स ऑफ क्लास क्या हो जाएगा, 72 into 100 and total marks is equal to marks of boys plus marks of girls. Marks जो है boys के 75 boys with average score 70, तो इतना हो जाएगा। अगर हमने girls का average score x ले लिया तो जो girls के marks हैं वो x into 25 हो जाएंगे। तो यहां से calculation करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 78 आ जाएगी। ठीक है, मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, मीन is changed by shifting of origin as well as changing scale of data. इनका मीनिंग क्या मैं बताऊंगा अभी। अभी अपन जैसे नोट में जो लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स तो हम मैथमेटिकली यूज करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो है वो ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड जो होते हैं उनके लिए। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट है जो भी है, तो और उसमें से एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो हमें पता होना चाहिए जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट कि मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इसका मैं अभी इसका तो डिटेल बता दूंगा, बट हमें इस वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमसे ये बोला जाए कि 2, 4, 8, 10, ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं और हमें इनका मीन फाइंड करना है, तो इनका मीन जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन डेटा पॉइंट्स का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे आई वर्सेस एक्स आई, तो डेटा पॉइंट 1 की वैल्यू 2 है, डेटा पॉइंट 2 की वैल्यू 4 है, डेटा पॉइंट 3 की वैल्यू 8 है और डेटा पॉइंट 4 की वैल्यू 10 है। तो ये ग्राफ बना और इसमें जो मीन आ रहा है वो मीन यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये वाला मीन ग्राफ पे लाई नहीं करता। मतलब कि ग्राफ में तो ओनली जो मैंने रेड कलर में पॉइंट्स मार्क किए हैं ये वाले पॉइंट्स लाई कर रहा है और इन वाले पॉइंट से ये मीन कॉन्साइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बस इसीलिए बोला गया है दैट मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। सेकेंड कि मीन इज चेंज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन का मतलब क्या है कि हमने डेटा पॉइंट्स को शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करने का मतलब कि हमने डेटा पॉइंट्स में एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। मान लो हमने इन चारों डेटा पॉइंट्स में लेट्स से 10 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 12, 14, 18, 20। तो अगर हमने 10 ऐड किया जो ओरिजिनल मीन 6 आ रहा था, अब न्यू मीन जो है वो 16 आ गया। तो अगर हमने 10 ऐड किया है तो मीन भी अकॉर्डिंगली प्लस 10 करके चेंज हो गया, 16 हो गया। ये तो होता है मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डेटा। स्केलिंग द डेटा का मतलब कि हमने इन सारे डेटा पॉइंट्स को 10 या किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया।
अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, नाउ नंबर्स बिकम दीस एंड नाउ न्यू मीन इज इक्वल टू 60. तो अगर हमने गिवन नंबर्स को किसी नंबर पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मीनिंग हुआ कि हमने स्केल चेंज किया है, और अगर हमने कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब कि हमने शिफ्ट किया है. तो शिफ्टिंग एज वेल एज चेंजिंग इट्स स्केल, दोनों ही सिचुएशन में मीन इज चेंज्ड. थर्ड पॉइंट है कि मीन इज जनरली यूज्ड फॉर सिमेट्रिक डेटा. ये जो हमने अभी एग्जांपल में लिख रखा है 2, 4, 8, 10, दिस इज कंसिडर्ड एज सिमेट्रिक डेटा. लेकिन अगर ऐसा, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्वियसली सिमेट्रिक है. ऐसा नहीं कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, 1, 2, 3, 2, 8 ये भी सिमेट्रिक ही है, लेकिन 1, 2, 3, 8, 3, 29 ये सिमेट्रिक डेटा नहीं है. दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक और असिमेट्रिक डेटा. तो अगर डेटा सिमेट्रिक है तो हम मीन यूज करेंगे. हम अभी आगे पढ़ लेंगे कि अगर डेटा स्क्यू सिमेट्रिक है तो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हम मीडियन का यूज करते हैं, ठीक है. बट अगेन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ है कि मीन कब यूज होता है, मीडियन कब यूज होता है, तो हमारे लिए पॉइंट क्या हो गया कि मीन इज यूज फॉर सिमेट्रिक डेटा. और ये मीन में इतना ही है और कुछ खास है नहीं. तो अभी देखो, मीन में कोई पॉइंट किसी को पूछना है? सर, वो फर्स्ट पॉइंट में से हमने देखा था कि वो सिक्स तो ग्राफ वाइज लाइन पे आ रहा था, तो फिर नहीं, तो वही ना, ये जो ग्राफ था वो कंप्लीट लाइन नहीं थी, ग्राफ में ओनली ये वाले ही पॉइंट थे. अच्छा. और जो मीन आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था, तो हमने बोला कि मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. पर मैंने कहा कि अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज अभी मैं जब मीडियन पढ़ाऊंगा ना, तो मीडियन में क्या होता है, हम बोलते हैं कि मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. बट उस सिचुएशन में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब मीडियन का जो आंसर आता है वो गिवन पॉइंट्स के इक्वल नहीं आता है. बट स्टिल मैंने कहा कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, अपन को इसमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा. और ओनली यही, अगर ये लिखा हुआ है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, ओनली उस स्टेटमेंट के लिए हमें ये वाला पॉइंट यूज करना है. तो अपने लिए बेसिकली हमने वो पॉइंट जॉइन किया, लेकिन ये जो मीन वाला पॉइंट वो उसके ऊपर प्लेस कर देते, उसका पार्ट नहीं, राइट सर? हाँ, मतलब जैसे आप जान लो ये होता कि 1, 1, 2, 3, 4, 5 और इनका मीन फाइंड करते 3 आ जाता, इनका ग्राफ बनाते तो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मीन अभी ग्राफ पे लाइन कर रहा है, लेकिन 1, 2, 4, 5 का मीन फाइंड करेंगे तो भी 3 आ रहा है, और इस केस में मीन ग्राफ पे लाइन नहीं कर रहा है. तो हम ये बोल रहे हैं बेसिकली कि मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, क्योंकि ऑलवेज ग्राफ पे लाइन करेगा, ये हम कंफर्मली नहीं बोल सकते. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट इज मीडियन. अगर वही डेटा पॉइंट्स x1, x2, x3 एंड सो ऑन करके गिवन है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मीडियन इज मिडिल टर्म ऑफ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स इफ दीज पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. These points are arranged in either ascending order or descending order. For example, find median of मैं random कुछ numbers लिख रहा हूँ. तो इन numbers का median बताना.
55 और कोई कंफर्म करो 55 आ रहा है क्या? मैंने तो कुछ भी लिख दिया था नंबर्स में। ओके मैंने मानस का मैसेज अभी देखा। सर पर सिमेट्रिक डेटा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिमेट्रिक डेटा के लिए कंडीशन का मतलब कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के होने चाहिए। हाँ 55 आ रहा है, एक बार देखना। हमने जो अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था तो ये वाले डेटा पॉइंट्स जो है ये सिमेट्रिक डेटा पॉइंट्स हैं, बट ये वाले डेटा पॉइंट्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक डेटा पॉइंट्स हैं। मतलब कि वो डेटा सेट जिसमें आउटलायर्स लाई कर रहे हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक, और आउटलायर्स का मतलब आउटसाइड लाई करने वाले पॉइंट, मतलब कि जिनका नेचर रिमेनिंग पॉइंट से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स स्क्यू सिमेट्रिक डेटा पॉइंट्स का है। तो आंसर आ रहा है 55। तो हम इनको या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और जो एग्जैक्टली मिडिल में नंबर आ रहा है वो ही नंबर मीडियन का आंसर हो जाएगा। और हम अब देखो इस पॉइंट के बेसिस पे हम आगे नोट करेंगे कि मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अभी बात समझ आती है क्या? मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बिकॉज हमने जो मीडियन का आंसर दिया है वो एग्जैक्टली मिडिल का डेटा पॉइंट दिया है। बट मैंने कहा कि सिंस इस वाले पॉइंट में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं नोट लिख रहा हूं वो एक बार नोट कर लेते हैं। इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है तो मिडिल में दो नंबर्स होंगे, क्लियर है, तो फिर मीडियन जो है वो उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स देन मीडियन इज एवरेज ऑफ द टू मिडिल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाए कि एन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली 6 स्टूडेंट्स पास्ड एन एग्जाम विद मार्क्स एज 97, 55, 63, 77, 48, 86. Find median marks of class. बताओ आंसर। बट आंसर इज जो इसने दिया था ये सब 48 प्लस 55 बाय 2 ना। हाँ 48 तो पहले चार के भी कंसीडर करेंगे ना। एग्जैक्टली क्वेश्चन में स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने बोला कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं इन विच ओनली 6 स्टूडेंट पास द एग्जाम। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग 4 हैं उनका कुछ तो मार्क्स आए होंगे, बट उनके मार्क्स डेफिनेटली इन 6 स्टूडेंट के मार्क्स से कम ही आए होंगे। और क्वेश्चन ने मीडियन मार्क्स ऑफ क्लास पूछा है, ना कि मीडियन मार्क्स ऑफ These 6 स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन ओनली इन 6 के मीडियन पूछता तो आंसर 70 आ जाता, बट क्वेश्चन है अभी मीडियन मार्क्स ऑफ क्लास पूछा है, तो हम इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि 97 तुम लोगों ने अरेंज भी किया होगा, 98 नहीं पता, बट ये पता है कि ये 48 से तो कम ही होगा बिकॉज इन्होंने एग्जाम पास नहीं किया। तो अभी एग्जैक्टली मिडिल में
ये दो नंबर्स आ रहे हैं, देयरफॉर मीडियन इज 55 प्लस 48 अपॉन 2, कितना होता है 103. तो 103 अपॉन 2 मीडियन का वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट देखो समझने हैं अपन को, क्या एक तो हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया ये वाला नोट, कि अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम जो एग्जैक्टली मिडिल में दो पॉइंट्स आ रहे हैं उन दोनों पॉइंट का एवरेज फाइंड कर लेंगे. ठीक है. सेकंड, कि हमने जो अभी जस्ट बोला था कि मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, बट इन दिस केस जो मीडियन का आंसर आ रहा है वो किसी भी डेटा पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है, तो हमने कहा कि एग्जाम के पर्पस से अपन को इस डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ओनली ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के लिए है, उसका हमें और फर्दर यूज नहीं करना है. एंड एक और चीज यहाँ पे कवर होती है कि अगर तुमसे क्लास का मीन फाइंड करने को बोला होता तो अपन नहीं बता सकते. तो मीन फाइंड करने के लिए तो हमें ऑल डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, बट इफ सम डेटा पॉइंट्स आर मिसिंग तो भी हम मीडियन का वैल्यू बता सकते हैं. ये अपन अभी नोट भी कर लेंगे. बट मीडियन फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं है कि ऑल डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड है. अगर एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो साइड पे डेटा पॉइंट्स कुछ मिसिंग है तो भी चलेगा, तो भी हम मीडियन का वैल्यू बता सकते हैं. ठीक है सर, ये तो लिखे ना कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. हाँ नहीं, अब वही वाली बात है ना, उसमें तो ऐसे तो अब मीन को भी बोलेंगे कि मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, क्योंकि कभी तो मीन ग्राफ पे लाइक करता भी है, कभी नहीं भी करता है. तो इसलिए मैं कि उन स्टेटमेंट्स में अपन को डिटेल में जाना ही नहीं है, ये बस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो अपन को मैथमेटिकली यूज नहीं करने. वैसे भी मेनली जो जेईई ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मेनली, मतलब मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ बट जनरली बोल रहा हूँ, जनरली अपन मीन का यूज करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का यूज करते हैं. मीडियन मोड या क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन, इनका यूज जेईई ने रेयरली कभी करवाया. अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी एक बार अपन सारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये फाइंड कर लिया. अगर ग्रुप्ड डेटा दे रखा है, और उसमें से भी क्या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही है कि अपन को एक्स आई और एफ आई गिवन है, एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन गिवन है, एफ आई एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड सो ऑन गिवन है. बट यहाँ पे या तो ऑलरेडी गिवन होगा या फिर अगर नहीं है तो हमें इनको अगेन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, और अभी हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे. अगर नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, या तो ऑलरेडी गिवन होगा इसी तरह से, अगर नहीं भी गिवन है तो हम अरेंज कर लेंगे. और ऐसा करने के बाद हम एक, अब मैंने सिंस ये लिख दिया है तो इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ लेकिन कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, जिससे कि नोट्स में सिंपल हो जाए थोड़ा सा. हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. तो इंफॉर्मेशन तो एक्स और एफ का इस तरह से गिवन होगा, और हम एक और कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सी एफ, और वो कॉलम में क्या होगा एफ वन प्लस एफ टू फिर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, ये हमें बनाना है, और लास्ट में एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन.
जो ये f1 plus f2 plus f3 up to fn है, इन सब का सम हम मान लेते हैं कि let's say this is equal to n. Then median is value of that data point whose cumulative frequency is equal to n by 2 or just greater than. अगर cumulative frequency का जो कॉलम है उसमें हमें exactly n by 2 के equal कोई नंबर मिल गया तो वही डेटा पॉइंट का वैल्यू, corresponding जो डेटा पॉइंट है उसका वैल्यू मीडियन का आंसर हो जाएगा. अगर exactly equal to n by 2 कुछ भी नहीं मिला तो फिर उससे जस्ट बड़ा जो नंबर होगा उसके corresponding डेटा पॉइंट का जो वैल्यू है वो मीडियन का आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ न्यू स्लाइड पे कि ऐसे कोई है कि एक्स आई एफ आई 11, 12, 13, 14, 15 ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है x, फ्रीक्वेंसीज आर 5, 7, 11, 9, 8. तो मीडियन फाइंड करो. सर कैन यू शो द प्रीवियस पेज फॉर आंसर. हाँ, एक बार सभी लोग एक क्वेश्चन में नोट कर लो फिर मैं प्रीवियस पेज शो कर रहा हूँ. तो हमें मीडियन फाइंड करना है. डेटा पॉइंट्स तो 11, 12, 13, 14, 15 है और फ्रीक्वेंसीज 5, 7, 11, 9, 8. आंसर बोला गया 13. ये लास्ट पेज वाला नोट कर लिया क्या जो भी था? Yes, sir, done. तो हम यहाँ पे मेथड जो बेसिक मेथड है कि एक कॉलम और बनाया हमने विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा 5, 12, 23, 32, 40. n का वैल्यू 40 आ गया तो n by 2 का वैल्यू 20 आ गया. तो 20 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, 20 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हमारे मीडियन का आंसर 23 का डेटा पॉइंट दैट इज 13 हो जाएगा. ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अब एक्स आई नहीं गिवन होगा, हमें इंटरवल गिवन होगा वो जो हमने पहले टेबल बनाया था ए नॉट टू ए वन, ए वन टू ए टू, ए टू टू ए थ्री एंड सो ऑन. तो उसमें जो कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए अब एक मीडियन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें अब अलग से याद करना होगा. वो फॉर्मूला इस तरह से है. L plus n by 2 minus c upon f into h. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? L is lower limit of median interval. N जो है वो तो पहले अपने नोट कर रखा है. Summation of fi, f1 plus f2 plus f3 up to fn is n. C क्या है? C is cumulative frequency of interval just before median interval. And last, H. ठीक है, तो अपन को ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करना है अगर एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन है. और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो x है वो अब इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली नंबर्स के फॉर्म में गिवन होगी. ठीक है,
तो एक बार मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिससे कि ये L, F, N, C और H इन नंबर्स को कैसे यूज करना है ये समझ आए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू 19 आता और 23 आता तो भी 23 ही लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू 19 आता और 23 आता है तो अगर n by 2 20 है तो भी 23 ही लेते हैं। 23 ही लेते बिल्कुल, उससे जस्ट या तो एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, अगर इक्वल नहीं है तो जस्ट ग्रेटर वाला ही लेना है। तो क्वेश्चन इज लाइक कि इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, इंटरवल इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। फ्रीक्वेंसी 50, 54, 85, 45, 30। और हमें क्वेश्चन ने मीन फाइंड करने को, सॉरी मीडियन फाइंड करने को बोला है। तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, मैं वो जो फॉर्मूला है वापस से यहां लिखता हूं कि मीडियन इज एल प्लस एन बाय टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L is lower limit of median interval, लेकिन ये median interval कौन सा होगा बताना, कैसे decide करेंगे? सर cumulative frequency निकालेंगे। Exactly, कि हम वही जो last वाला method है उसी को use करेंगे, कि हम पहले cumulative frequency का column खुद से बनाएंगे और cumulative frequency इनको add किया तो ये हो गया 50, 104, 189, 234 और 26। तो n का वैल्यू तो 264 आ गया, n by 2 is 132, 132 से जस्ट ग्रेटर यानी कि 189 लिखा हुआ है, तो मीडियन इंटरवल अब ये हो गया। ठीक है, तो l का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इंटरवल, n by 2 हमने ऑलरेडी लिख लिया, c इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन इंटरवल एंड जस्ट बिफोर मीडियन इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 104 आ रहा है। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इंटरवल एंड एच इज 10 लेंथ ऑफ मीडियन इंटरवल। बस ये हमें समझना था कि कौन सा नंबर कहां से लिया है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 50 प्लस 132 माइनस 104 अपॉन 85 into 10। अभी लास्ट पेज में को मैं शो करता हूँ, तो ये कैलकुलेशन तुम लोग देखो क्या आ रही है। मेरे पास जो आंसर लिखा है वो है 53.29। तो यहाँ पे जी मैंने अभी जो कहा था कि जेई ने कैलकुलेशन करवाई है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टैटिस्टिक्स में डेसिमल वगैरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 53.29 आ रहा है। तो एक बार मैं लास्ट पेज शो कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर 53.29। नेक्स्ट बाय नोट का फर्स्ट पॉइंट वर्टिकल पॉइंट मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। सेकंड पॉइंट तुम लोग बताना कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन और स्केलिंग ऑफ डेटा, इससे मीडियन चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो? जैसे अपने पास लेट्स से डेटा पॉइंट्स आर दिस 2, 3, 5 शिफ्ट होगा 27 तो इन डेटा पॉइंट्स का, हाँ होगा, इन डेटा पॉइंट्स का मीडियन ये आ रहा है
अगर हमने 10 ऐड कर दिया तो भी मीडियन ये आएगा, लेकिन अब मीडियन चेंज हो गया। ऐसे ही हमने स्केल चेंज किया होता, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी चेंज हो गया। तो मीडियन इज एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, हम अभी जो बात कर रहे हैं ना कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी जो डेटा पॉइंट्स गिवन है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इन्हीं डेटा पॉइंट्स का कुछ मेन मतलब या तो वही डेटा पॉइंट है कोई पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, या फिर उनका अपन ने एवरेज फाइंड किया, यानी कि x वाली वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने x वाली वैल्यूज को शिफ्ट करके या एड करके बड़ा नंबर बना लिया तो अकॉर्डिंगली तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चेंज हो जाएंगे, और अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो भी तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चेंज हो जाएंगे। तो मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीनों ही चेंज हो जाते हैं। मीन मीडियन इज चेंज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड स्केलिंग द डेटा। मीडियन इज जनरली used to find central tendency of skew symmetric data. और ये भी समझ आता होगा कि ऐसा क्यों, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया था कि एक प्लेयर है जिसका स्कोर ऐसे आ रहा है, तो हमें ये क्लियर है कि इस प्लेयर का एक्चुअल में ये ही प्रॉपर परफॉर्मेंस है, ये तो इसका तुक्का लग गया उस दिन, चांस की बात है कि इसने डबल सेंचुरी बना ली, बट एक्चुअल में तो इस प्लेयर का परफॉर्मेंस ऐसा ही है। तो मीडियन अगर अपन फाइंड करेंगे तो हमारा जो मीडियन का आंसर आएगा इस सिचुएशन में एक छोटा सा नंबर आ जाएगा, मीन फाइंड करेंगे तो मीन इसकी वजह से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मीडियन उस सिचुएशन में बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिस सिचुएशन में आउटलायर्स लाए कर रहे हैं, because outliers का median पे कोई इफेक्ट नहीं आता। outlier वर्ड सबको समझ आता है कि out मतलब given data point से extremely high data point या extremely low data point। तो median is generally used to measure central tendency of skew symmetric data। जो फ्यू डेटा पॉइंट्स मिसिंग वाला एग्जांपल था वो अपने भी किया ही था, तो कुछ डेटा पॉइंट्स अगर नहीं भी है अपने पास तो हम तब भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं, और अगर कुछ आउटलायर्स हैं तो उनसे मीडियन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। प्रीवियस पेज पे तो हमने ये वाला एग्जांपल किया था, डन ओके यस सर। फाइंड के इफ मीडियन, सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर ट्राई करना, आंसर बताना, मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 27 और डेटा इस तरह से ये बने,
जो रेड में मैं लिख रहा हूँ वो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन में, तो ओनली ब्लैक वाली इंफॉर्मेशन ही दी है. एक आंसर क्या था इस फॉर्मूले को यूज करके. तो इन दिस केस मीडियन इंटरवल, सिंस मीडियन ही बता रखा है तो यहां से डिसाइड होगा मीडियन इंटरवल, और वो होगा 27 जिस इंटरवल में लाया करता है वो ये है मीडियन इंटरवल. ठीक है, मीडियन ऑलवेज मीडियन इंटरवल में लाया करेगा. के का आंसर 22 नहीं आ रहा ना, हम वो 22 नहीं है. एंड व्हाट मीन एंड मीडियन नोट, कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट इन ब्रीफ. If the given data points are symmetric data points, मतलब कि जो numbers हैं वो same type के numbers हैं, मतलब कि या तो हमने कहा 48, 52, 53, 47 इस तरह के numbers हैं, और एक बोल दिया जाए कि ऐसे numbers हैं 8, 16, 2, 15 और 2, 5, 3. तो दिस इज असिमेट्रिक डेटा और स्क्यू सिमेट्रिक डेटा. इस सिचुएशन में सेंट्रल टेंडेंसी का बेटर मेजरमेंट हम मीडियन की हेल्प से करेंगे. और अगर मान लो यहाँ पे ओनली 25 ही होता तो ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर हम मीन से करेंगे. हाँ, 8 करेक्ट आंसर है. तो अगर सिमेट्रिक डेटा है तो मीन प्रेफर करना चाहिए, इसको सिमेट्रिक डेटा है तो मीन प्रेफर करना चाहिए. तो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज 8. तो हम जब यूज करेंगे तो m इज 27, 27 इज इक्वल टू 20 माइनस n बाय 2 माइनस c अपॉन h अपॉन f इनटू h. तो सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू 8 आ जाएगा, ओनली के ही अननोन है. ठीक है, तो ये अपना माइनस क्यू, माइनस नहीं प्लस, और सही लिखा है ना सारा मैंने. ठीक है, तो के का वैल्यू 8 आ जाता है. नेक्स्ट इज जब भी दो डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी या मोर देन टू कितने भी डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो हम अनलाइक मीडियन, मीडियन में तो क्या करते हैं कि जो दोनों मिडिल वाले पॉइंट्स हैं उनका भी एवरेज ले लेते हैं.
यहाँ पे हम एवरेज नहीं लेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि मोर का एक आंसर 4 आ रहा है, सेकंड आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। अरे मीडियन में मैंने क्वार्टाइल छोड़ दिया, चलो इसके बाद लिखाता हूँ। अगर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि इंटरवल की फॉर्म में गिवन है तो हमें मोड फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें हमने लिखा है एल इज लोअर लिमिट ऑफ मोड इंटरवल, तो मोड इंटरवल कौन सा होगा कैसे डिसाइड करेंगे? अब हमको डेटा में इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ करेक्ट बोल रहे हो, जिसका जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है वो हो जाएगा मोड इंटरवल, उसका लोअर लिमिट इज एल, उसका फ्रीक्वेंसी इज एफ एम, तो एफ एम माइनस वन का मीनिंग भी समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल जस्ट बिफोर मोड इंटरवल एंड एफ ऑफ एफ एम प्लस वन जो सफिक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल जस्ट आफ्टर मोड इंटरवल। अभी तक जो मैंने इस पेज पे लिखा है कुछ कोई डाउट किसी को, सबने नोट कर लिया जो भी नोट कर रहे हैं? अब मैं एक बार इनको सेव करके नेक्स्ट पेज को भी एफ एम माइनस वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल जस्ट बिफोर mod interval f m plus 1 is frequency of interval just after mod interval and h length of sir. So the first line at fm minus 1 that what have you written, frequency of interval just before mode interval interval तो सबसे पहली चीज कि मॉड इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, तो लोअर लिमिट इज 20, फ्रीक्वेंसी एफ एम इज ऑल्सो 20, एफ एम माइनस 1 8, एफ एम प्लस 1 12, एच 10, जो था मैं वापस लिखूंगा यहाँ पे कि वो था एल प्लस एफ एम माइनस 1 अपॉन 2 एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इनटू एच। तो करेक्ट आंसर कैलकुलेशन करने के बाद 26 आ जाएगा, सही है, ठीक है।
नेक्स्ट पेज कर दूं, ये सारा क्लियर है? जस्ट अ सेकंड। डन सर। अब ये अगेन पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कहीं इनका यूज हो रहा है तो हमें अप्लाई करना है, अदरवाइज तुम अगर एक पर्टिकुलर डेटा सेट का मीन मॉड मीडियन फाइंड करोगे और इस फॉर्मूले में पुट करके चेक करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट अगेन ये हमें ओनली थ्योरेटिकल फॉर्मूला समझ के यूज करना है। मतलब क्वेश्चन ने अब यही बोल दिया कि डेटा सेट नहीं बताया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि इफ फॉर अ सिमेट्रिक डेटा सेट मीन इज दिस एंड मीडियन इज दिस फाइंड मॉड, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके मॉड का आंसर फाइंड कर लेंगे। बट अपन ने जो भी पहले क्वेश्चंस किए हैं जिनमें डेटा सिमेट्रिक भी है तो भी एग्जैक्टली ये नंबर्स मैच नहीं करते, अप्रोक्सीमेटली मैच कर जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है, अगेन मैं पहले बोल देता कि इन पॉइंट्स पे अपन को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बट हिस्टोग्राम ये ऐसे तुमने फिगर्स देखे होंगे ना, दीज आर कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे कुछ x है, यहाँ पे कुछ f है, तो जिसका फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट की वैल्यू जो है वो मोड का आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन या और स्केलिंग ऑफ डेटा दोनों से ये चीज चेंज हो जाएगी। मोड इज जनरली यूज्ड टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ गिवन डेटा सेट। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अगर ये बोला जाए कि कोई भी एक मंथ लिया अपन ने जिसमें 30 डेज है, ठीक है, और 30 डेज में हमें पास इंफॉर्मेशन ये है कि 5 डेज फॉर एग्जांपल वेदर जो है वो हॉट था, 5 डेज का जो वेदर है लेट्स से कोल्ड था, और 20 डेज वो उस 20 दिनों में बारिश हुई है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो मंथ है वो कौन से सीजन का मंथ है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये सिंस बारिश 14 दिन हुई है तो ये रेनी सीजन हो गया। तो यहाँ पे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक यूज किया है, जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर यूज किया है वो मॉड है, कि हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को देख के बोला कि इसकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इस डेटा पॉइंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है वो इस टाइप का हो जाएगा। तो जब भी हमें डेटा पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए मॉड का यूज कर लेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैंने पहले नोट नहीं कराया था, ये वाला पॉइंट क्या नाम मीडियन के साथ आता है पर मैंने पहले ध्यान नहीं रखा मुझे, अभी नोट कर लेते हैं। पॉइंट इज जैसे हमने मीडियन फाइंड किया था वैसे ही है एक क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, पहले हम लोअर क्वार्टाइल लिख लेते हैं। अगेन फॉर्मूले हैं और सी के जैसे फॉर्मूले हैं। लोअर क्वार्टाइल को अपन Q1 से नोट करते हैं,
and this is L plus N by 4 minus C upon F into H. जेई ने वैसे तो आज तक कभी भी क्वार्टाइल वर्ड का क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक, बट अगेन वही वाली बात है कि अपने पास इंफॉर्मेशन है तो अपन बस इसको ध्यान रख लें और क्या है। हमने अभी n by 4 into 1 किया यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा मतलब ये जो है n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से कर रखा है तो लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा, n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करोगे तो मीडियन आ जाएगा, और n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करोगे तो अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे इसको Q3 बोलना, तो Q1 इज लोअर क्वार्टाइल जिसमें हमने n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से किया है, Q2 जिसको हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो मीडियन बन जाता है, और Q3 n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 से किया है जिसको अपन ने अपर क्वार्टाइल बोला है। वो L, N, C, F, H सब कुछ सेम है जो हमने पहले ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। तो ये तो है क्वार्टाइल। इसी क्वार्टाइल का मतलब हमने अब चार पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ऐसे कुछ था ना, मान लो ऐसे कोई डेटा पॉइंट्स हैं तो सर F will be the frequency, the frequency of the point in which the quartile is there or the median frequency? मीडियन, ये सेम फॉर्मूला सारा कुछ सेम मीडियन वाला ही है। L is lower limit of median interval, F is frequency of median interval, but यहाँ पे बस मतलब मीडियन था तो हमने n by 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 से किया था जिससे कि n by 2 बन गया था, तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये तो मीडियन है, ये लोअर क्वार्टाइल है और ये अपर क्वार्टाइल है, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए 1 by 4 टाइम्स है, ये 1 by 2 टाइम्स है और ये 3 by 4 टाइम्स, ऐसा कुछ है। okay. अभी तो अपन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हमने क्वार्टाइल्स बना लिए, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने 3 जो बोलते हैं ना पॉइंट्स यूज करे हैं, Q1, मीडियन एंड Q3। अगर हम इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको अपन बोलते हैं डेसाइल। और डेसाइल क्या कि अगर हमें कुछ kth डेसाइल की बात करनी है या jth डेसाइल की बात करनी है तो दिस विल बी इक्वल टू l प्लस j टाइम्स n by 10 माइनस c अपॉन f इनटू h, एंड वैल्यू ऑफ j इज 1, 2, 3 अप टू 9। तो किसी चीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसमें हाँ, उसको अपन को 9 टाइम्स मतलब 9 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करना होगा, ठीक है, इस तरह से। एंड इसी तरह से एक है नेक्स्ट इज परसेंटाइल, समझ आ गया तुमको ये क्या करना है? n by 100 परसेंट, तो यहाँ पे हम n by 100 कर लेंगे और j का वैल्यू 1, 2, 3 अप टू 99 लेंगे। पर j ने कभी क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल पूछा नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ खास टफ भी नहीं है इसलिए मैंने नोट करवा दी। परसेंटाइल को अपन कैपिटल D से नहीं कैपिटल P से डिनोट करते हैं। jth परसेंटाइल, ठीक है, तो ये अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट है, लेकिन जो मैंने कहा कि मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें ओनली मीन का थोड़ा सा यूज करेंगे, और मीन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जनरली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं शुरू करता हूँ। प्रीवियस पेज दिखाएंगे, प्रीवियस सर, नेक्स्ट पेज सर।
Done, sir. Thank you. Sir, could you please show previous page for a moment? Done, sir. Thank you. Measures of dispersion. The first point in this case is range. Again, Jay ne kabhi range pucha nahi hai. तो ये जस्ट कि अपन को बस कुछ पता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने नोट कर दिया. अदरवाइज ये जो मैंने इस पेज पे लिखा है ना, जेई ने आज तक का रिकॉर्ड है, कुछ की भी बात नहीं करी है. बट पॉइंट इज कि ये मान लो कर ले कल को, तो फिर ये ना हो कि सर हमें तो पता ही नहीं था. तो इसलिए बस ये है कि हमने इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ये लिख दिया. तो रेंज क्या है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम. कोफिशिएंट ऑफ रेंज के साथ बोला गया एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स प्लस एक्स मिन. वैसे ही फिर अपन ने जो भी क्वार्टाइल डिस्कस किया था उसकी हेल्प से इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. परसेंटाइल रेंज इज 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल. क्वार्टाइल डेविएशन बोला जाए या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाए एक ही बात है, और वो इस नंबर का बाय 2 है. एंड लास्ट वन इज कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिख लिया, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ठीक है, ये फर्स्ट पेज रेंज का हो गया. मैं नेक्स्ट पेज पे अब मीन डेविएशन नोट करता हूँ. नोट कर ले जो भी नोट करना है. सेकेंड पॉइंट इज मीन डेविएशन. एक तो हम अगर डेविएशन वर्ड को समझें कि जैसे कोई डेटा पॉइंट एक्स है, इस डेटा पॉइंट को हमने अगर माइनस फाइव करके लिखा तो अब हमने इस डेटा पॉइंट को फाइव से डेविएट कर दिया. ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए ये है डेविएशन. एक्स आई माइनस पी मतलब कि जो भी नंबर ए या पी गिवन है ये हमने डेविएट करके जो पॉइंट बनाया वो है डेविएशन. तो यहाँ पे लिखा है मीन डेविएशन, तो मतलब कि जो भी डेविएशन आएंगे उनका हमें मीन फाइंड करना है. तो मीन डेविएशन ब्रैकेट में अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मीन डेविएशन अबाउट ए, दैट इज समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एन. यहाँ पे डेविएशन में मॉड वर्ड इंक्लूडेड नहीं है. डेविएशन तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट ए को डिफाइन करने के लिए मॉड लगा दिया. क्यों लगाया, बिकॉज पहले तो एक्चुअली जब फॉर्मूला बनाया था तो मीन डेविएशन अबाउट ए विदाउट मॉड ही था, लेकिन अगर हम मीन डेविएशन अबाउट ए का फॉर्मूला ये यूज कर लें
और a को हम अगर मीन रख दें तो आंसर ऑलवेज जीरो आ जाएगा। कल तो देखना समझ आ रहा है क्या, इफ a इज इक्वल टू जीरो देन आंसर इज ऑलवेज जीरो चाहे कोई सी डेटा पॉइंट्स गिवन हो। क्लियर है? हम बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू अपॉन एन इज ऑलवेज जीरो। तो फिर अपन को डेविएशन यानी कि हम डिस्पर्शन मेजर नहीं करवाएंगे अगर हमें मीन के अबाउट डेविएशन फाइंड करना है। तो इस वजह से इस फॉर्मूले में मोड़ लगा दिया और मोड़ लगाने से आंसर अब जीरो नहीं आएगा। बट अगर क्वेश्चन डेविएशन की बात करें तो डेविएशन इज विदाउट मोड़ क्वांटिटी, बट इन केस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट ए वी यूज दिस फॉर्मूला। अगर हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं then mean deviation about a is equal to summation of fi mod of xi minus a upon summation of fi and एक theoretical point जो exam के purpose से ध्यान रखना है कि mean deviation is minimum when measured about मीडियन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड मीन डेविएशन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 अबाउट मीन तो आंसर बताना। मीन डेविएशन फाइंड करने का क्वेश्चन जी मेंस ने 0, 0 3 नहीं नहीं मोड लगा के आंसर बताना तो जीरो नहीं आएगा। 3 पिछले 20 इयर्स में हार्डली एक या दो बार पूछा है मीन डेविएशन का क्वेश्चन, बट हां पूछा है ऐसा नहीं कि कभी यूज ही नहीं किया। तो आंसर बोला गया 3 और फिर कंफर्म करो 3 आ रहा है क्या। तो यहां पे मीन 6 आ रहा है तो समेशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस म्यू अपॉन n तो 6 यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 5 तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। 12 अपॉन 5 आ रहा है 3 कैसे आया? ओ हाँ यस सॉरी मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। ओके ठीक है तो मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा पॉइंट्स अबाउट मीन आ गया 2.4। नेक्स्ट इज एंड जो इम्पोर्टेंट है हाँ चलिए आपने बताया जब हम अमाउंट मीन लेते तो जीरो आते हैं। नहीं वो हमने कहा कि अगर हमने मॉड नहीं लगाया होता अच्छा okay. तो फिर आंसर जीरो आ रहा था तो इस वजह से इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मॉड लगा दिया फॉर्मूले में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ओके सर थैंक यू सर थैंक यू। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करता है और दोनों कुछ ऐसा खास बात नहीं है। वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा दैट इज कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस व्हिच इज अ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर देंगे कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। जीरो हो सकते हैं अगर हम इन डेटा पॉइंट का चाहे रेंज फाइंड कर लो चाहे मीन डेविएशन फाइंड कर लो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो सारा आंसर जीरो आ जाएगा अबाउट मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन। बट या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल म्यू इज मीन अपॉन एन। और जब इसको फॉर्मूले को अपन ओपन करते हैं ना तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कैसे भी याद रख लो तो मेन फॉर्मूला तो यही था जो हमने सबसे पहले लिखा था ये वाला
एक्स आई माइनस म्यू को एक बार मैं बताता हूँ कि ये कन्वर्ट कैसे हुआ, कि एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर को ओपन किया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर। इसका समेशन लगाना है तो इसका समेशन लगा के एन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन बच गया, सेकेंड टर्म टू म्यू समेशन के लिए कॉन्स्टेंट है, एंड थर्ड म्यू स्क्वायर समेशन के लिए कॉन्स्टेंट है। तो म्यू स्क्वायर का समेशन तो एन टाइम्स म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये एन और ये एन कैंसिल हुआ तो लास्ट टर्म इज ओनली प्लस का म्यू स्क्वायर। सेकेंड लास्ट टर्म में ये जो लिखा हुआ है ये खुद म्यू का वैल्यू होता है, तो सेकेंड लास्ट टर्म इज माइनस टू म्यू स्क्वायर, टू म्यू इन टू म्यू। फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, सेकेंड टर्म इज माइनस टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो माइनस म्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्या बोला गया कि पहले पहले हम म्यू से शिफ्ट करके यानी कि एक्स आई माइनस म्यू की वैल्यूज फाइंड कर लें और उनके स्क्वायर का एवरेज फाइंड कर लें, या फिर पहले ही हम एक्स आई के स्क्वायर का एवरेज फाइंड कर लें और उसमें से म्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। सर सर ने म्यू की वैल्यू समेशन एक्स आई अपॉन एन द होल स्क्वायर कैसे लिख दिया सर, म्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं तो मीन तो होता ही है ना ये। अच्छा ठीक है, मी म्यू इज मीन और उसका फार्मूला अपन ने ये डिस्कस किया था पहले। हां ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से आ जाता है, अभी तक अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरह से सारे के सारे अपन ने कन्वर्ट किए। इन दिस केस ये हमने जो सारा कुछ डिस्कस किया ये वेरिएंस के लिए डिस्कस किया है, तो ध्यान रखना कि सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस और इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नंबर मिलेगा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां भी कर लेते हैं कि वही जो था 2 4 6 8 10 इनका वेरिएंस फाइंड करो। टू रूट टू तुमने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, हमने क्वेश्चन में वेरिएंस ही पूछा है, तो वेरिएंस 8 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज किया तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, तो म्यू इन दिस केस 6 आ रहा है, 6 को हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायरिंग करने के बाद बन जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 फिर 0 फिर 4 फिर 16 अपॉन 5। देखना ये जो मैंने लिखा है दिस वन, ये क्या है एक्स वन माइनस म्यू होल स्क्वायर, एक्स वन इन दिस केस 2 है और म्यू इन दिस केस 6 है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब सर प्रीवियस टू प्रीवियस पे देखो ना, जहाँ पे अपने
mean derivation. Thank you, sir. Question. पहले हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन से शुरू कर लेते हैं. अच्छा नहीं, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. थ्योरी में अब थोड़ा सा पॉइंट बचता है बस, नोट. और नोट में है फर्स्ट पॉइंट कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सारे के सारे, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो. देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग करने के बाद एक अलग टर्म है जो वेरिएंस है. तो वेरिएंस मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. तो इसको मैं इसलिए अलग लिख रहा हूं, एंड वेरिएंस आर नॉट चेंज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. देखना ये समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हमने फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लिखा है तो अगर हमने एक्स आई को एक्स आई में टेन ऐड किया होता तो म्यू में भी टेन ऐड हो जाता, बट उससे एक्स आई माइनस म्यू तो सेम ही आ जाता. तो डेटा को शिफ्ट करने से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चेंज नहीं होंगे, ये वाली बात क्लियर है क्या? हर एक नंबर में कॉन्स्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट मीन में भी चला जाएगा. लेकिन अगर हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये चेंज होंगे या नहीं होंगे? चेंज हो जाएंगे. तो अगर हमने मान लो k से मल्टीप्लाई किया सारे डेटा पॉइंट्स को, मतलब ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन थे, तो न्यू डेटा पॉइंट्स kx1 kx2 kx3 एंड सो ऑन हो गए. तो बताना कि इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो इनका सिग्मा न्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? सिग्मा k टाइम्स सिग्मा. बट हमने कहा कि सिंस k मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्रॉपर वर्ड्स में हमें लिखना चाहिए कि मॉड ऑफ k इनटू सिग्मा, बिकॉज़ k तो नेगेटिव भी हो सकता है जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया. अगर हमसे वेरिएंस न्यू पूछा जाए तो हमारा आंसर k स्क्वायर इनटू वेरिएंस होल्ड हो जाएगा. वेरिएंस पे k स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा. करेक्ट, समझ आ गया? मीन डेविएशन पूछा जाएगा तो वो k टाइम्स मीन डेविएशन हो जाएगा, बिकॉज मीन डेविएशन में हम मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए की बात करेंगे. तो अगर ये k टाइम्स कर दिया तो k बाहर आ जाएगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड रेंज, यानी कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ये तो k टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन जो वेरिएंस है ये k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बिकम मॉड ऑफ के टाइम्स,
of original values, but variance is equal to k square times original variance. And third point is coefficient of variation. This is sigma upon mu into 100%. This is measured in a percent. And in this case, if more coefficient of variation, then less reliability or more variability. रिलायबिलिटी वर्ड यूज कर लो या फिर जैसे कई बार स्टेबिलिटी सेम बात है, कंसिस्टेंसी सेम बात है. तो अगर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन किसी, अगर हमें दो सेट्स को कम, अब जो था ना अपना फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले जो अपने शुरू किया था कि दो डिफरेंट सेट्स हैं और उनमें से कौन से प्लेयर को प्रेफर करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम सिग्मा विच इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड म्यू विच इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 फाइंड करेंगे. जिस सिस्टम का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वो सिस्टम ज्यादा वेरिएबल है, यानी कि कम रिलायबल है, कम स्टेबल है या कम कंसिस्टेंट है. जिसका कोफिशियंट वेरिएशन कम आ रहा है वो सिस्टम बेटर रिलायबल है. ठीक है, तो ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, अभी टाइम है ना अपने पास 43. ओके, हाँ ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है. सर मेरे को ये सेकंड पॉइंट में डाउट था सर, अगर देखा जाए सर हम ओरिजिनल वैल्यूज को भी हम लोग के अगर मल्टीप्लाई करें सर, वो जो मीन नहीं तो ए जो लेते हैं उसमें भी तो के का, इसका मतलब ये होता है कि जो ए गिवन होगा वो भी हम के से शिफ्ट करके ही देखेंगे. अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट करके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके, मतलब कि हम पूरे सिस्टम को ही चेंज कर रहे हैं. ओके, हाँ तो के से आंसर में. यस सर, थैंक यू सर. तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था जो जेई ने पूछा हुआ है कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x3 एंड अप टू xn इज सिग्मा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a x1 प्लस b, a x2 प्लस b, a x3 प्लस b अप टू a xn प्लस b इज ऑप्शन ए ए सिग्मा प्लस बी, ऑप्शन बी मॉड ऑफ ए सिग्मा प्लस बी, ऑप्शन सी मॉड ऑफ ए सिग्मा प्लस बी एंड ऑप्शन डी मॉड ऑफ ए सिग्मा. बोलो आंसर. सर डी डी. और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे पेन नहीं चलाना था बिकॉज हमने दो पॉइंट्स जो अभी डिस्कस की जस्ट कि बी का मतलब तो क्या कि शिफ्ट किया डेटा को, और शिफ्टिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो बी का तो रोल ही खत्म हो गया. बट ए का मतलब क्या, मल्टीप्लाई किया डेटा को, और अगर मल्टीप्लाई किया है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ए टाइम्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 is equal to 1560, mu is equal to root over 12, then find variance of 2x1 minus 3, 2x2 minus 3, 2x10 minus 3. Batao. इसके लिए हम पहले गिवन डेटा पॉइंट्स x1 x2 x3 का वेरियंस फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू दिस
तो ये हो जाएगा 1560, डेटा पॉइंट्स 10 गिवन है और म्यू की वैल्यू रूट 12 गिवन है, तो ये नंबर 144 आ जाएगा। तो अब वेरिएंस ऑफ 2xi-3, इस तरह के डेटा पॉइंट्स का फाइंड करने के लिए बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने माइनस थ्री से शिफ्ट किया है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट 2 से मल्टीप्लाई किया है और सिंस वेरिएंस पूछा है तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलता है कई बार या फिर कई बार डेटा पॉइंट बोलता है, सेम चीज है। 5 ऑब्जर्वेशंस, सो कैन यू शो प्रीवियस पे फाइव ऑब्जर्वेशन आर 4 and 5.2, इफ 3 ऑब्जर्वेशन आर 3.4 and 4, देन फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस of remaining 2 observations. टू मिनट में सॉल्व करना है। एक बार तुम लोग देखना कैलकुलेशन ठीक तो मिस्टेक तो नहीं है मेरी। तो x² + y² 65 आ रहा है और x + y 9 आ रहा है, और क्वेश्चन है हमसे पूछा क्या है, मॉड ऑफ x - y फाइंड करने के लिए। तो x - y का होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज x² + y² - के डबल में से x + y का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो सीधे आ जाएगा x - y, तो हो गया 130 - 81 यानी कि 49। तो ये वाला क्वेश्चन जेई ने मेंस ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के, क्योंकि देखो मेंस वाले एग्जाम में टाइम का मेन है कि हमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने अब इस क्वेश्चन में एक्स और वाई को अलग अलग फाइंड नहीं किया, डायरेक्टली हम इस वाली कंडीशन का यूज करके x - y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
और जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी थी उसका यूज अपन ने जो पहले किया है वो देख लो क्लियर है क्या, ये तो मीन और ये वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन नो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब ही मॉड से हो जाता है। इफ सम ऑफ डेविएशंस, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 इज 50, फाइंड मीन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। Sum of deviations of 50 observations from 30 is 50. मान लो उन ऑब्जर्वेशन का नाम x1, x2, x3 एंड सो ऑन है, तो ये क्वेश्चन ने फर्स्ट लाइन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, 38 टर्म से चालू करें ना, सम ऑफ डेविएशन, नहीं, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 कब, मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन एक्स आई है उसका 30 से डेविएशन विच इज एक्स आई माइनस 30 का सम इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो अब मैंने ये कहा था कि डेविएशन वर्ड का मीनिंग समझना है कि अगर हमने ए से डेविएट किया है, फ्रॉम ए डेविएट किया है, दैट इज एक्स माइनस ए हो गया वो डेविएशन। तो सम ऑफ अभी क्लियर है सभी को क्वेश्चन कि 50 ऑब्जर्वेशंस का नाम अपन ने x1 x2 x3 एंड सो ऑन कंसीडर किया, तो xi का 30 से डेविएशन इज xi माइनस 30 का सम इज इक्वल टू 50, तो हमें अब मीन बताना है। तो यहां से सिग्मा xi का जो वैल्यू है वो आ गया 30 * 50 + 50 तो ही लगाना है। सिंपल डेविएशन अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट में सिंपल डेविएशन वर्ड यूज कर रखा है तो फिर हमें मॉड नहीं लगाना है, मतलब डेविएशन का वर्ड का मतलब विदाउट मॉड है, मीन डेविएशन में मॉड लगाना। तो म्यू जो है वो सिग्मा एक्स आई अपॉन 50 से आंसर 31 आ जाएगा, देखना 31 समझ आ गया। ठीक है, अभी अपन इसमें ना 4-5 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा जो जिसमें कैलकुलेशन लेंथी है, तो वाले क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उन क्वेश्चंस को करने के बाद इसके बाद का जो लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग उसी क्लास में कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इंडक्शन, हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन भी उसी क्लास में कवर कर लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में तो अपन को हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं पढ़ना, उसमें कुछ खास है ही नहीं। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किस मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को क्लास में बता दिया क्या, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर नहीं, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाला प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर, तो उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस टाइप का कोई फॉर्मूला कि NCR P raise to power R Q raise to power N minus R this is for P is equal to X equal to R, ऐसा कुछ डिस्कस किया था? नहीं सर, नो सर, नो सर, नो नो सर। ओके चलो फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन कवर कर लेंगे, और ये तो फिर इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। चलो ठीक है, और HSC में हुआ है वैसे? नहीं अपन तो अपन वापस से कवर कर लेंगे, कोई मतलब बहुत बड़ा चीज है नहीं, और जेई ने मेंस ने क्वेश्चन पूछा भी है इनके ऊपर, तो इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। और कोई टॉपिक जो तुम्हें माइंड में आ रहा है जो तुम्हारा क्लास में अभी तक कवर नहीं हुआ है मेंस से रिलेटेड? हाँ बर्नौली ट्रायल यही है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है बर्नौली ट्रायल। देखो मैंने अभी क्या है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तुम लोगों को, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है पेज को, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से चैप्टर में
क्या पॉइंट डिस्कस नहीं किया है जो मेंस में डिस्कस करना है। तो एक बार जो भी तुम्हारे क्लास टीचर हैं उनसे ये डिस्कस कंफर्म कर लेना सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें मेंस वाले सिलेबस में पढ़ने हैं। जैसे तुमने ये वाला पॉइंट बोला तो अगर कुछ और भी हो ना तो मुझे बता देना। ओके सर हम बता देंगे। ठीक है चलो आज की क्लास अपन यहाँ पे एंड करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। प्रीवियस पेज देखा सर आप पीडीएफ भेज देंगे ना? हाँ मैं अभी जस्ट शेयर कर ही देता हूँ ग्रुप। ओके ओके थैंक यू सर। ओवरराइड बाय सर। थैंक यू सर। ओके ओके।